थाना मीरतुपुर क्षेत्र अंतर्गत पुमारा के जंगलों में डीवीसीएम मोहन कड़त्ती, डीवीसीएम सुमित्रा माटवाड़ा, एलओएस कमांडर रमेश एवं 30 से 40 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। आज सुबह 7:30 बजे पुमारा के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर। डीआरजी, एसटीएफ एवं केरपू बल की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता, सर्चिंग कार्रवाई है जारी। तो ये बीजापुर से बड़ी खबर आप बता रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सिविल विश्वकर्मा सभी दर्शक सच के आवाज से हम आज यहाँ पर एक जानकारी, विशेष जानकारी जो पुलिस को बड़ी कामयाबी के रूप में हासिल हुई है उसको लेकर के हम बात करने जा रहे हैं। इस दौरान जो बस्तर आईजी हैं, हम सबसे जानेंगे कि वर्तमान की स्थिति में जो नस्लियों का जो आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर के सर की जो आज विशेष कामयाबी प्राप्त हुई उसको लेकर हम बात करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान की स्थिति में जो नस्लियों में जो मुठभेड़ हुआ उस पर हमने 4 माओवादियों को मार गिराया, उसके विषय में बताएं सर। आज बीजापुर जिला के बैरंगड़ी मुरतुर थाना के सीमावर्ती इलाके में कोमरा जंगल के अंदर एक मुठभेड़ के पश्चात 4 माओवादी के डिब्बा डिकअप किए गए थे। इस अभियान में बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ बल संयुक्त रूप से अभियान संचालित किए गए थे। इस घटना के पश्चात जो अभी तक सर्चिंग में 4 माओवादी के डिब्बा मिला और काफ़ी बड़ी संख्या में आम सबमिशन भी रिकॉर्ड किए गए थे। अभी लगातार इलाके में सर्चिंग जारी है, सर्चिंग के पश्चात और अपडेट मिल सकता है। सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, ये जो लाल अंक सर दिन ब दिन इनका बढ़ते जाता है, जो विकास कार्य जो काफ़ी रुक रहे हैं उसको लेकर कुछ बताएंगे यदि नक्सल गतिविधि के हिसाब से देखें तो विगत वर्षों में काफ़ी उल्लेखनीय कमी भी आया है। आंकड़े के हिसाब से देखें तो विगत वर्षों की तुलना में भी लगभग 55-60% नक्सल आतंक उनके संबंधित घटना में कमी आए थे। लेकिन एक अभियान तो निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है और हमें पूरा विश्वास आने वाला बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदाय करने में आपको सफलता मिलेगा और हम जनता के मनशानुरूप उनके साथ लेकर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ देख सकते हैं, अच्छा बात कर रहे थे बस्तर आईजी पी सुंदरराज, जिन्होंने बताया वर्तमान की स्थिति में किस प्रकार से नस्लों की गतिविधि पुलिस का काफी जारी है और लगातार चल रहा है। सभी तरफ न्यूज सच के बाद बीजापुर जिले से सिविल विश्वकर्मा की खास मैसेज। सचिव के द्वारा अभी तक 4 माओवादी का डेड बॉडी मिला है, इनमें से 2 महिला 2 पुरुष है और हथियार के हिसाब से 1 .303 राइफल, 1 .315 राइफल और 2 अन्य जो कंट्रीब्यूट जिसको मस्कर्ची बोलते हैं वो वेपन मिला। अभी भी लगातार इलाके में सर्चिंग जारी है, काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी का जो कैंपिंग सामग्री आमतौर पर माओवादी कैंप में जो सामान मिलते हैं वो सामग्री और आम सबमिशन और बिजली के तार विस्फोट पदार्थ इस प्रकार के सामान मिला। अभी भी सर्चिंग जारी है, ये तो प्राथमिक जानकारी है। हमारा सुरक्षा बल के साथ ही सब लोग सुरक्षित है और जैसा भी पार्टी सर्चिंग के पश्चात वापस आने के बाद और एग्जैक्ट डिटेल्स और मिल जाएगा। अभी माओवादी की शिनाख्ती अभी नहीं हुआ है, सिर्फ इतना जानकारी प्राप्त हुआ उसमें 2 महिला है और 2 पुरुष है और शुरू में तब सूचना मिला है उस हिसाब से बैरंगढ़ एरिया कमेटी का जो माओवादी का उपस्थिति का असूचना के आधार पर ही यह अभियान संचालित की गई है। इसमें अभी तक ये जानकारी हमको प्राप्त हुआ, अभी सर्चिंग करके पार्टी वापस आने के बाद और कुछ स्पष्ट जानकारी और रिकॉर्डिंग में क्या कुछ है उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी प्राप्त होगा। इस अभियान के संबंध में इतना ही प्राप्त जानकारी है, साहब के एसपी साहब भी है और सी आर पी एफ का डीएजी मिश्रा साहब भी है। मैं चाहूँगा फिर एसपी साहब भी इस अभियान के संबंध में थोड़ा और जानकारी प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि बैरंगड़ एरिया कमेटी के कुछ माओवादी 30 से 40 की संख्या में वहाँ पर हैं, वो लोग बैठक ले रहे हैं, विकास कार्यों को रोकने की योजनाबद्ध तरीके से साजिश रच रहे हैं। तो हमें जैसे जिस प्रकार की सूचना मिली हमने तत्काल एसटीएफ, डीआरजी और सीआरपी सभी के बल को तैयार किया, एक संयुक्त अभियान को की योजना बनाई किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये पार्टी कल शाम रात को ही निकल गई थी और जब ये पहुंची उमरा के जंगल में, थाना मैरतू क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है और किश्तपुर कैंप से करीब करीब 10 किलोमीटर दक्षिण में ये पार्टी पहुंची, तो वहाँ पर इन लोगों की मुठभेड़ हुई। इसमें 7:30 से 8 के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में तत्काल में हमें, जैसे हमने पहले सूचना दी थी कि 2 डेड बॉडी मिली, तो फिर लगातार सर्च की गई, उसके उपरांत हमें 2 डेड बॉडी और मिली है। इसमें 2 महिलाएँ हैं और 2 पुरुष हैं और हथियारों में अभी तक हमें 4 हथियार रिकवर हो गए हैं, में 303 है। और ये ऑपरेशन सभी कंटिन्यू सर्च भी जारी है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 22-23 तरीके के जो ऑपरेशन के और कोई इलाके इस इलाके में जिधर ऑपरेशन हो रहे हैं इसको जल्द से जल्द हम बुक करके और आगे विकास कार्यों को और बढ़ाने के लिए भरसक हम लोगों का समर्थन और सहयोग है और उसमें हमने सफलता हासिल कर। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर?
सफलता, बहुत बड़ी सफलता है, सबसे पाए हम सब लोग, ये पहला है जब इतने बड़ी पार्टी को हम लोग घेर पाए हैं, घेरने के बाद हम मारने के बाद डेड बॉडी भी रिकवर कर पाए हैं।